नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। नीतीश कुमार दिल्ली गए तो आरसीपी सिंह पटना चले आए हैं। आरसीपी सिंह इसी महीने यानी कि सितंबर में नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे बड़ा खेल कर देंगे। दरअसल होने कुछ यूं वाला है कि अमित शाह बिहार में होंगे तो आरसीपी सिंह क्या करेंगे बताएंगे आपको। नीतीश कुमार के साथ यानी कि बीजेपी के रिश्ते जब खत्म हुए उसके बाद अमित शाह पहली बार बिहार में होंगे, पूर्णिया में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो किशनगंज में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ जो राज्य स्तरीय बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनके साथ हाई लेवल मीटिंग होगी। ये सब कुछ सीमांचल में होने वाला है, उस इलाके में जहां को जीतना बीजेपी के लिए हमेशा से एक बड़ी पहेली बनी रही है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में उस इलाके में प्रचंड जीत हासिल की, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने हर उस सीट को जीत लिया जहां से उसके प्रत्याशी मैदान में थे। अगर कोई एक सीट हारी तो वो जदयू थी और वो किशनगंज की सीट थी, और ये इसी इलाके में अमित शाह दो दिनों तक रहेंगे। पूर्णिया में अमित शाह के की जो प्रस्तावित रैली है वहाँ के रंगभूमि मैदान में होने वाली है। ये कार्यक्रम जो है 23 सितंबर को होगा, जबकि 24 सितंबर को किशनगंज में अमित शाह होंगे और वहाँ पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। अब इस बीजेपी वाले कार्यक्रम से आरसीपी सिंह का क्या लेना देना है और आरसीपी सिंह किस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा खेल करने वाले हैं, इस पर हम आपको बताएंगे। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरसीपी सिंह जो हैं वो अमित शाह के साथ मंच पर होंगे और वहीं से नीतीश कुमार के खिलाफ दहाड़ेंगे आरसीपी सिंह, ये खबर चर्चा में है। आरसीपी सिंह शायद यही वजह है कि पटना आ गए हैं और अब बीजेपी के लगातार संपर्क में हैं। नीतीश कुमार समेत ललन सिंह जैसे बड़े जदयू के नेताओं की तरफ से इस बात का लगातार दावा किया जाता रहा है कि आरसीपी सिंह कहने को तो जदयू में थे लेकिन उनका तन मन सब कुछ बीजेपी के लिए समर्पित था और वो लगातार जदयू को कमजोर कर रहे थे यानी कि पार्टी को खोखला करने में लगे थे। आरसीपी सिंह के ऊपर कई आरोप लगाए गए। इन आरोपों के में ही एक आरोप ये भी था कि बीजेपी के साथ उन्होंने मिलकर के जदयू को ही बिहार से खत्म करने की पूरी कोशिश कर ली, और शायद यही वजह है कि अब अमित शाह जब आ रहे हैं तो आरोप लग ही चुके हैं पहले, तो अब आरसीपी सिंह उसी मंच से दहाड़ सकते हैं। अब आरसीपी सिंह के बीजेपी में आने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। फायदा यह है कि नीतीश कुमार जी जिस जाति से आते हैं और जिस जाति के एकमात्र नेता के तौर पर बिहार में अपनी पहचान रखते हैं, आरसीपी सिंह उसमें सेंध लगा सकते हैं। नीतीश कुमार के जदयू में रहते हुए उनको ये मालूम है कि जदयू का संगठन किस स्तर का है, कहाँ कहाँ है, उसकी कमियां क्या हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को आरसीपी सिंह जानते हैं। बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। हालांकि बिहार में जाति की राजनीति अब तक होती रही है, नीतीश कुमार जिस तरफ रहते हैं या बीजेपी के साथ हों या फिर जैसे कि अभी तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन के साथ हैं उसकी प्रचंड जीत होती है। बिहार में जाति का गणित कुछ इस तरीके से हर सीट पर है कि वहाँ पर नीतीश कुमार और अगर आज की स्थिति में तेजस्वी यादव और महागठबंधन को जोड़ दें तो ये उनको हरा पाना बड़ा मुश्किल है, लिहाजा बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। 24 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और करीब करीब 1.5 साल के आसपास का वक्त है, लेकिन अभी से ही बिहार में इसकी शुरुआत हो गई है। नीतीश कुमार दिल्ली में जहां विपक्ष के नेताओं को लामबंद गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह बिहार से शंखनाद करने वाले हैं और इस जो एक तरीके से तपिश दिखेगी बिहार की राजनीति में उसमें अमित शाह के साथ आरसीपी सिंह भी हो सकते हैं, और शायद यही वजह है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक होते जा रहे हैं दिन पर दिन, और नीतीश कुमार भी आरसीपी सिंह और बीजेपी को लेकर के तुम तड़ाक वाली भाषा पर आ गए हैं। अब जाहिर तौर पर क्योंकि अमित शाह बिहार में होंगे तो मंच से गरजेंगे, ये पहली दफ़ा होगा जब अमित शाह नीतीश कुमार के खिलाफ जोर जोर से बोलेंगे। नीतीश कुमार और अमित शाह जो हैं उनकी मुलाकात हाल में हुई थी, दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं माने जाते हैं, और जब अमित शाह आएंगे तो नीतीश कुमार के बीजेपी से बाहर होने से लेकर के उन तमाम बातों पर अपनी बात रखेंगे जिसके बारे में नीतीश कुमार ये कहते रहे हैं कि उनकी तो कोई या उनकी पार्टी की कोई बात नहीं हुई थी, अमित शाह ने जानबूझकर के आरसीपी सिंह को बिना उनका कंसर्न लिए उनको मंत्री बनवाया था। इन सब चीज़ों पर से पर्दा उठने वाला है 23 और 24 सितंबर को पूर्णिया और किशनगंज में, और ये सब कुछ होगा तब जब नीतीश कुमार जो हैं वो
दिल्ली से लौट करके बिहार में एक बार फिर से जो है विपक्ष को साधने की रणनीति में होंगे, तो अमित शाह नीतीश कुमार को घेरने के लिए आरसीपी सिंह को साथ में मंच पर लेकर के मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।